एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नाज वर्ल्ड। होपिंग यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। आज है ईद, सो आप सबको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। बैकग्राउंड से आपको काफी ज्यादा नॉइसेज आ रही होंगी बिकॉज ईद का माहौल है, तो इतना तो शोर बनता है। मैंने माइक भी नहीं लगाया बिकॉज मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो शूट करती हूँ, इसलिए मैंने बैकग्राउंड भी कुछ भी चेंज नहीं किया, जो जैसा था मैंने वैसे ही छोड़ दिया है। तो मेकअप मैंने ऑलरेडी डन कर लिया है इस वीडियो से पहले, डेफिनेटली आप मेकअप लुक देख चुके होंगे, नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा, मैं लिंक आई बटन पर दे दूंगी। और अब मैं जा रही हूँ जल्दी से हेयर स्टाइल सेट करने। तो हेयर स्टाइल मैं समर्स के अकॉर्डिंग कर रही हूँ बिकॉज गर्मी यहाँ बहुत ज्यादा है, तो मैं बनाने वाली हूँ एक फिश टेल ब्रेड। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। इससे पहले भी आई गेस एक हेयर स्टाइल मैंने आपके साथ शेयर किया होगा, आई गेस परांदा हेयर स्टाइल, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, इनकेस अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर देखिएगा। तो मैं सोच रही थी कुछ ब्रेड ही बनाऊं, तो मैंने सोचा क्यों ना फिश टेल ट्राई करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हेयर स्टाइल। फर्स्टली एक टेलकॉम की हेल्प से मैं अपने हेयर का एक छोटा सा सेक्शन साइड करूंगी बिकॉज मुझे इसे कर्ल करना है। अगर आप नहीं कर्ल करना चाहते हैं तो आप पूरे हेयर का सेक्शन ले सकते हैं, बट मैं एक छोटी सी फ्लिक्स यहाँ पे निकाल रही हूँ। देन अगेन सेम कॉम की हेल्प से मैं थोड़ा सा सेक्शन पीछे के साइड पर ट्विस्ट करके क्लिप करूंगी, और इस तरह से दो या तीन आप जितने भी सेक्शन लेना चाहें ले सकते हैं। मैं यहाँ पे दो सेक्शन को लेकर के क्लिप कर रही हूँ पीछे साइड में। इस तरह से हेयर्स को ट्विस्ट करके क्लिप अप करने से हमें एक स्टाइलिश लुक तो मिलता ही है, प्लस हमारा फिश टेल जो है वो काफ़ी फ्रेश आता है। यहाँ पे फ्रंट साइड पे मेरा फुल वॉल मिरर है, इस वजह से मैं बार बार वहाँ पे देख रही हूँ जिससे मुझे क्लियर दिख रहा है, अदरवाइज कैमरे में उतना क्लियर नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसे क्लिप अप कर लूँगी एंड बाकी के सारे हेयर्स को मैं एक साइड पे ले आऊँगी। फिशटेल बनाने के लिए बहुत से लोग अलग अलग वेज यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैं अपना दिखा रही हूँ, इससे और भी सिंपल आप कर सकते हैं, बट मैं ऐसे कर रही हूँ आज। तो यहाँ पर अगेन मैंने एक छोटा सा सेक्शन ले लिया है बिकॉज मैं दोनों साइड से कर्ल करूँगी एंड फ्रंट के हेयर्स को मैं ट्विस्ट करते हुए बैक साइड से ट्विस्ट करूँगी सिंपल वे में, वहाँ पर मैं कोई ब्रेड वगैरह नहीं बना रही हूँ। एंड ऊपर साइड पर उसे थोड़ा थोड़ा मैं पुल करते रहूँगी जिससे बाउंसी एंड पफी इफेक्ट आएगा हेयर्स में, और उसके बाद अगेन मैं इसे क्लिप अप कर लूँगी। लाइक यू कैन सी मैं थोड़ा सा इसे पुल कर रही हूँ जिससे एक पफी इफेक्ट आएगा हेयर्स में। और एज आई मैंशन अर्लियर कि ईद का दिन है इसलिए प्रॉपर सेटअप का टाइम नहीं था मेरे पास, तो बाकी सारी चीज़ें मैंने अपने सामने रखा हुआ था और जल्दी जल्दी मुझे रेडी होना था, इसलिए इस तरह से, अदरवाइज कभी और प्रॉपर वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। सो बाकी के सारे हेयर्स मैंने एक साइड पे ले लिए हैं। बहुत से लोग यहाँ पे रबर बैंड से इसे टाई अप कर देते हैं ईजी होने के लिए, बट मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। तो मैंने हेयर्स को यहाँ पे दो सेक्शन में डिवाइड किया है, ए एंड बी, आपको भी ऐसे ही करना है। दो सेक्शन में अपने हेयर को डिवाइड करिए, फर्स्ट सेक्शन से आउटर साइड से एक छोटा सा पार्ट लेकर के दूसरे साइड पे क्रिस क्रॉस पैटर्न मेनली हमें यहाँ पे बनानी है, ओवरलैपिंग कह सकते हैं आप, कि छोटा सा सेक्शन बी साइड पे जाएगा एंड बी साइड का छोटा सा सेक्शन ए साइड पे आएगा, ऐसे आपको करना है। अब ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लगाना चाहते हैं और कितना एफर्ट्स देना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम पूरा है तो आप एकदम छोटे छोटे हेयर सेक्शन लीजिए, मैं उतने भी छोटे नहीं ले रही हूँ, दैट मीन्स एकदम थिन थिन सेक्शन आप लेंगे तो और भी अच्छा बनेगा। मेरे पास उतना टाइम बिल्कुल नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा थिक सेक्शन ले रही हूँ जिससे जल्दी फिनिश हो जाए। आप जितना थिन सेक्शन लेंगे उतना क्लीन आपका ब्रेड बनने वाला है। सो ये नॉर्मल ब्रेड से थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली इसमें अच्छा खासा टाइम लगाइए और काफ़ी प्यारा निकल करके आता है। तो कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं वैसे करती हूँ, अदरवाइज जल्दी जल्दी में मैं थोड़ा सा थिक सेक्शन ले लेती हूँ। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो अपनी हेयर की फुल लेंथ इस तरह से ब्रेड से कवर कर सकते हैं या फिर मेरी तरह नीचे से थोड़ा सा सेक्शन छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन छोड़ देती हूँ और एक रबर बैंड की हेल्प से मैं इसे अच्छी तरह से टाई अप कर लूँगी। अगेन आप चाहें तो हेयर सेक्शन की हेल्प से भी इसे टाई अप कर सकते हैं, बट मुझे फुल डे के लिए रखना था तो इस वजह से मैंने रबर बैंड का यूज़ किया यहाँ पर। नाउ कमिंग टू द कर्लिंग पार्ट, तो कर्लिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये हैवल्स का टाइट कर्लर, इसमें 5 सेक्शंस थे उसमें से मैंने ये कर्लर यूज़ किया है इस टाइम, और इससे मैं अच्छी तरह से जो भी फ्रंट फ्लिक्स मैंने निकाले हैं उसे मैं कर्ल करूँगी एंड 10 सेकंड्स के लिए इसे एज इट इज़ रखूँगी एंड देन आई रिमूव इट। हेयर कर्लिंग के टाइम पे एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि आपको अपने हेयर्स को अपने फेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में कर्ल करना है, इनवर्ड में कभी भी नहीं। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कर्ल आया है यहाँ पे। सो बस मैं इसे 10 सेकंड्स के लिए ही रख रही हूँ, उससे ज़्यादा आप भी मत रखिए, उससे ज़्यादा मेरे हेयर के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो 10 सेकंड्स के लिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ।
फ्रेंड्स, मेरा हेयर स्टाइल हो गया है रेडी। आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। एंड जहां भी आपके एक्स्ट्रा फ्लिक्स निकल रहे हैं या फिर आपके हेयर लेयर में कट है, तो आप टिकटॉक क्लिप्स की हेल्प से उसे अच्छी तरह से क्लिप अप कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपके पास कोनिकल कर्लर नहीं है एंड आप उतना कुछ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए सिंपल एंड बेस्ट ऑप्शन है इस तरह के हेयर कर्लिंग स्टिक्स में इन्वेस्ट करिए। बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली आते हैं एंड वर्क काफी अच्छा करते हैं। मैंने पहले भी इन्हें ट्राई किया है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसे भी शेयर करूंगी कि ये कैसा वर्क करते हैं। और ये मेरे पास काफी टाइम से आपको अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पे इजिली मिल जाएगा। बट अभी जो मैं यूज कर रही थी हेयर कर्लर, वो हैवेल्स का है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इनकेस आपको पसंद आए तो आप जरूर परचेस करिए, बिकॉज काफी अच्छे से कर्लिंग करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।